तहसील शामली, देखिए उन तहसील शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। वृद्ध दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वृद्धों को किया गया सम्मानित, कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण। करनाल हाईवे पर स्थित झुंझाना के वृद्ध आश्रम में वृद्ध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले के मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी ऋतु रस्तोगी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अतुल बंसल आदि पहुंचे। इस मौके पर मौजूद वृद्धों को वस्त्र, फुटवेयर और फल आदि वितरित किए गए। महिलाओं को उनके अनुरूप साड़ी या सूट तथा पुरुषों को कुर्ता, पजामा आदि भेंट किए गए। समाज कल्याण अधिकारी ऋतु रस्तोगी ने सभी वृद्धों का माल्या अर्पण कर स्वागत किया। सभी वृद्धों के स्वास्थ्य की जांच की गई और दवाइयों का वितरण भी किया गया। मौजूद सभी लोगों के लिए दोपहर के खाने की भी व्यवस्था की गई। आज 1 अक्टूबर है तो आज एक वृद्ध दिवस था, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीमा साहब और हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा
के बुजुर्गों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इनको अभी ठंडा का मौसम आ रहा है तो पानी बंद करने की फॉर्मस दिया गया है और कुछ और ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से या फिर स्वास्थ्य विभाग से, इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग से दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से और इसमें थोड़ा सा विद्यों के साथ उनके पास टीम भी आई है जो कि उनके अन्य जो शुगर जैसे अन्य जो बीमारियां हैं सब उसके लिए जांच की गई है। तो थोड़ा सा इसमें वृद्धों को अवसावर्धन उनके मन को एक प्रकृत करने के लिए अच्छे से उनके साथ शामिल कर सर जो है करीब एक साल पहले यहाँ से जितने वृद्ध हैं उनके लिए आधार कार्ड वगैरह की प्रक्रिया पूरी कराई गई थी ताकि उन सभी को पेंशन वगैरह मिल सके, और अभी जानने में आया है कि सभी को पेंशन नहीं मिल पा रही है, क्या वजह है? ऐसी तो स्थिति नहीं है लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं आई हैं समाज कल्याण वहां से कुछ जो फॉल्ट आई है जिसमें धनराज का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा, हालांकि उसमें से करीब 50% समस्या साल हुई है स्थानांतरण हुआ है लेकिन कुछ अभी बचे हुए हैं तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको भी शीघ्र ही धनराज स्थानांतरित हो जाए। ठीक है, थैंक यू।